अब मेरे बेटा, बच्चे एक बात तो क्या कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, मान लो अगर पिछले साल कुछ क्लोजिंग स्टॉक था तो इस साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, है ना? ये तो आपके लिए बिल्कुल ओके है। तो राइट नाउ बता रहा हूँ कि बेटा स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड या गुड्स बोलो या इन्वेंट्री बोलो, बात एक ही होती है। ये सब किस वैल्यू पे शो होते हैं? तो इनका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब AS2। सर, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेंस होता है जिसके हिसाब से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हर एक चीज़ की आपके रूल्स वगैरह को इन्फॉर्म करता है कि इन चीज़ों पे ये रूल्स अप्लाई होंगे, और हर कंपनी या हर इंडिविजुअल को या हर पार्टी फर्म को, अगर वो कोई बैलेंस शीट वगैरह PNL वगैरह फॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें वही रूल्स वगैरह कंप्लाई करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसमें रूल्स वगैरह दिए होते हैं जिसके हिसाब से हमारी अकाउंटिंग होती है। तो AS2 डील करता है किसके साथ? स्टॉक के साथ बोलो, स्टॉक इन ट्रेड बोलो, गुड्स बोलो या फिर इन्वेंट्री बोलो। और मैंने कल भी सिखाया था, जिसमें आप डे टू डे काम करते हो वो आपका स्टॉक होता है। AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का स्टैंड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2 नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब इस वाले AS ने कहा कि इन्वेंट्री वैल्यू किस पे होगी? इन्वेंट्री वैल्यू होगी या तो कॉस्ट या फिर NRV, विच एवर इज लो। इस AS ने बताया कि इन्वेंट्री जो वैल्यू होगी वो होगी या तो कॉस्ट पे या फिर NRV। NRV स्टैंड फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आज बेच के आऊँगा तो मुझे कितना पैसा रियलाइज होगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आज बेच के आऊँगा तो कितना पैसा मेरे हाथ में आएगा? तो कॉस्ट या फिर NRV, विच एवर इज लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि साल के लास्ट में अगर मेरा कहीं ना कहीं आपका शर्ट को सेल और परचेज करने का काम है, और मैं कहूँ ईयर एंड में मेरे पास एक शर्ट बाकी है, उसकी मैं कॉस्ट थी 800, उस शर्ट में कोई आपका छेद वगैरह हो गया है, अब वो 700 की सेल होगी। मतलब उस वाली शर्ट की कॉस्ट कितनी है? 800। NRV बेचे कितने में आऊँगा? कॉस्ट से कम पे 700 पे। तो कितने पे आएगा स्टॉक? वो 700 पे, विच एवर इज़ लो। पूरा AS2 जो है ये कहीं ना कहीं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बेस है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था? जो एंटिसिपेटेड खर्चे उन्हें आज दिखाओ, इनकम तब दिखाना जब वो सर्टेन हो। पक्का? तो जरा देखो, कॉस्ट कितनी है? 800। NRV कितना है? 700। दिखाऊंगा किस पे? लो, मतलब 700 पे। हमने आगे आने वाले खर्चे आज ही दिखा दिए कहीं ना कहीं। स्टॉक को अगर मैंने 700 पे दिखा दिया, कम पे दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले खर्चे आधे शो हो गए। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉस्ट 800 होती, NRV कितनी होती आपकी? 1000। तो कितने पे आता? 800। इनकम तब दिखाना जब सर्टेन हो, जब माल बिकेगा। ये इन्वेंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक किस पे आएगा आपका? 800 पे। वो तो अगले साल बिकेगा ना 1000 का, अभी सर्टेन तो नहीं है ना कि स्टॉक सेल होगा। तो ये पूरा AS2 आप नोट कर सकते हो कि एंटायर AS2 कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बेस है, और ये केवल इन्वेंट्री की बात करता है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो। ओपनिंग स्टॉक भी तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से ही आया होगा। डन। तो AS2 बोलता है, ये अपने खून में डाल लेना, हमेशा स्टॉक किस पे आएगा? या तो कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आज मार्केट में बेच के आऊँगा तो कितना हाथ में आएगा? जो भी लो है उस पे स्टॉक आएगा। पक्का? तो पहली बार आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे से सीखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या होता है। ओके, नेक्स्ट।